जी अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप सो कि सब ठीक होंगे। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं होम टूर। आज मैं अपनी अम्मी के घर जो जहाँ पे मैं रहती हूँ तो उसका मैं करवाने वाली हूँ आज टूर। तो चलते हैं अंदर। तो सबसे पहले आ जाता है ये पोर्च, छोटा सा ये पोर्च है। टोटल ये जो घर है सात मरले पर बना हुआ है। तो इसमें जो जो है मैं आपको बताती हूँ क्या क्या बना हुआ है। तो इंटर होते ही साइड पे एक छोटी सी स्पेस बनी हुई है, बेसन वॉश बेसन लगा हुआ है यहाँ पे और बोरिंग सिस्टम जो है वो। और ये आ जाता है रूम, ड्राइंग रूम है। बाहर का दरवाज़ा इस तरफ है और यहाँ पे रखा हुआ है, ये अलमारी रखी हुई है काफ़ी टाइम से। और ये हूँ मैं, बाहर इस कदर गर्मी हो रही है, गर्मी की वजह से मेरा यह हाल हुआ हुआ है। चले चलते हैं अंदर। तो अंदर जाते ही मेन डोर आ जाता है हॉल से, टीवी लाउंज का जो इंटर होते ही मेन डोर यही है। तो ये सात ड्राइंग रूम है और ये आ जाता है टीवी लाउंज हॉल कह दें, जिसमें मोस्टली हमारा टाइम यहीं पे गुजरता है। तो इसमें जो है साइड पे एक बेड रखा हुआ है और यहाँ मम्मा बैठी हुई हैं अपनी मशीन लेके, ये मोस्टली बस्सी करती रहती हैं, सिलाई वगैरह अनाया के आजकल कपड़े ही सीती रहती हैं। तो ये आ जाता है किचन, छोटा सा ये किचन है और बस इसमें ये सब कुछ मेंटेन किया हुआ है। और खाने में इस टाइम बना हुआ है ये चावल बने हुए और साथ लोबिया है, लोबिया बना था जिसका आज चावल बॉयल कर लिए थे। ऊपर किचन की कैबिनेट्स आ गई। तो चलते हैं बाहर, ये वाला रूम मैं आपको एंड में बताऊंगी। अच्छा जी, तो इसके बाद आ जाता है ये मेरा रूम और ये जो है साथ वाला सिस्टर का रूम है। तो पहले मैं अपने रूम में जाके आपको बताती हूँ कि क्या क्या रखा हुआ है। मैंने ज़्यादा चीज़ें नहीं रखी हुई क्योंकि ज़्यादा भरा हुआ कमरा मुझे पसंद है नहीं, तो इसीलिए। और ये जो है ये सारा सामान मेरा पड़ा हुआ है, ठीक है। और ये अनाया का फ्रॉक, ये सामने बेड और इस तरफ साइड पे मैंने रखा हुआ है अनाया का ये झूला, जो कि काफ़ी टाइम से मैंने यूज़ ही नहीं किया जब से। और इसके बाद ये आ जाता है ये साइड पे जो है कि छोटी सी बैल्कनी बनी हुई है। लेट मी ओपन द डोर। ये हम यूज़ नहीं करते, ये बंद ही रहती है क्योंकि साथ पे ये अभी घर बन रहा है तो जिस वजह से ये बंद ही रहती है मोस्टली। तो इसके साथ ही ये अटैच वॉशरूम है, ये भी हमारे यूज़ में नहीं होता क्योंकि ये फ़िलहाल बंद किया हुआ है, साथ जो है कि घर बन रहा है जिस वजह से ये गैलरी बंद ही रहती है मोस्टली। और यहाँ पे ये साइड टेबल पे अनाया की चीज़ें रखी हुई हैं और ये भी अनाया जो है कि अपनी खाला के साथ खेली। अनाया आजकल जो है कि खिलौनों के साथ इसकी अटैचमेंट हुई हुई है। अब जैसे जैसे ये बड़ी होती जा रही है तो ये अब हर चीज़ों को अच्छे से रिकॉग्नाइज कर रही है। अनाया माँ बुला रही है, इधर देखो। नहीं मुंह में नहीं डालते, इसे जो है ना अंगूठा जो बच्चे चूसते हैं बस इसे भी ये वाली आदत डली हुई है। वो टीथर तो इसको तो ये नीचे फेंक देती है, टीथर जो है इसे एलर्जी है। अच्छा तो ये जो है कि अभी खेलने लगी हुई है खेले। तो नेक्स्ट अब हम चलते हैं दूसरे रूम में।
ये साथ जो है कि फ्रिज रखा हुआ है, बस ये हॉल में फ्रिज रखा हुआ है और ये स्टोर रूम है साथ। यहाँ पे जो एक्स्ट्रा घर की चीजें सारा इसी स्टोर रूम है, अलमारी वगैरह और जितने भी ब्लैंकेट्स वगैरह स्टोर रूम में रखे हुए हैं। और इसी के साथ ये वाला रूम आ जाता है, ये जो है कि सिस्टर का और मम्मा भी यहीं पर सोती हैं। चलो अब इसको लाइट्स ओपन। अच्छा तो ये वाला रूम है, रूम इतने बड़े नहीं है, बस नॉर्मल साइज के रूम है। साइड पे जो है छोटी सी विंडो है और इस तरफ बेड रखा हुआ है और ये वॉशरूम है साथ। और यहाँ से ये कबर्ड्स बनी हुई हैं और यहाँ पे ये झूला रखा हुआ है, लेकिन स्पेस नहीं थी फिर भी रखा हुआ है। तो हम चलते हैं बाहर। अच्छा इस रूम में ना अभी भाई वगैरह सोए हुए हैं, लेकिन लेट मी नो। ये यहाँ पे खैर इस वक्त अंधेरा हुआ है तो लाइट ऑन कर दी है। यहाँ पे ये भी सोए हुए हैं और ये जो है कि यहाँ पे चारपाई रखी हुई है और सोफा, और वो साथ जो है कि अटैच बाथ है। और ये बाहर से जो है इसका दरवाज़ा यहाँ से भी है, बाहर से भी है। अब चलते हैं ऊपर, ऊपर वाली पोर्शन में। अच्छा ऊपर वाले पोर्शन में ना जस्ट एक ही रूम है, अभी ये बंद है। जैसे नीचे रूम्स बने हुए हैं सेम वैसे ऊपर भी बना हुआ है। और यहाँ से ये बाहर का व्यू है, ये जो है कि बाहर यहाँ से बाहर का व्यू आ जाता है। ये आ जाता है छत, छत भी है ऊपर, सेकंड पोर्शन है फिलहाल तो यहाँ पे बना नहीं हुआ ना, तो इसलिए ये जो कमरा है उसके साथ जो ये एक विंडो है बेड की तरफ है, ये पेटी रखी हुई है कपड़ों के लिए। ये जो है कि यहाँ से ओपन है बाहर, एक तरह का पोर्च भी है बरामदा कह लो, पर ये ऊपर अभी बना नहीं हुआ तो इस वजह से ये जो है कि ओपन ही है। जब बन जाएगा तो ये सारा जिस तरह नीचे बना हुआ है उसी तरह ये भी क्लोज हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो ये हमारे लिए भी छत ही है। लेट मी नो, ये घर वगैरह यहाँ पे अभी बन रहे हैं, धूप काफ़ी ज़्यादा हुई है और यहाँ का व्यू जो है कि बहुत अच्छा है। गर्मियों में ये इलाका अच्छा है क्योंकि ना यहाँ पे इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती, इस वजह से हवाएं चलती रहती हैं सुबह से लेके रात तक। और ये भी घर वगैरह बन रहे हैं, जब ये सारा एरिया डेवलप हो जाएगा तो फिर इनकी जो स्ट्रीट्स वगैरह रह जाएंगी तो इनको जो है कि ये ठीक कर देंगे। फिलहाल तो ये स्ट्रीट्स सारी जो है कच्ची हैं। और ये जो है किचन बना हुआ है, इसको स्टोर रूम बनाया हुआ है। चलें अब चलते हैं नीचे। और इंशाल्लाह जल्दी हम ऊपर वाले पोर्शन का भी काम करवाएंगे। अच्छा ये वैसे सेफ्टी के लिहाज से ना सही बना हुआ है, बना हुआ हमने घर लिया था तो बस ये जो बने हुए घर होते हैं ऐसे ही होते हैं। काफ़ी ज़्यादा जो है कि इसका पेंट वगैरह भी उतर रहा है, पेंट रेनोवेशन करवानी है घर की। इंशाल्लाह सून ही अब सब करना आहिस्ता आहिस्ता। तो चलें चलते हैं अब अंदर, नया क्या कर लीजिए। लेट मी सी, यहाँ चल रहा खाना। तो खाने में बना हुआ है लोबिया और साथ चावल जो है बॉईल किए हैं। और नाया भी जो है हमारे साथ बैठ के खा रही है। नाया आप भी खा रही हो, इधर मेरी तरफ देखो। नहीं जी ये तो कोई लिफ्ट ही नहीं करवा रही आज, आज खाला के पास है तो इसलिए मुझे कहाँ ही लिफ्ट करवाएं। चले जी तो वीडियो को करते हैं यहाँ पे एंड। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें।
और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।